हाय फ्रेंड्स, बिजनेस ज्वाइन करो में आपका स्वागत है। ये आप देख रहे हैं इंडिया रनर, जो कि 14 दिन के हो चुके हैं और इनका वेट करीब 200 ग्राम हो चुका है। और मैं आज आपको बताऊंगा इनको फीड कैसे दिया जाता है, कैसे रखा जाता है इनको, और पानी कैसे दिया जाता है। सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। कौन सा दाना मैं देता हूँ, मेडिसिन देता हूँ, क्या खिलाता हूँ इनको, और बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सब कुछ आपको मैं अभी लाइव दिखाने वाला हूँ। देखिए, जो मैं फीड देता हूँ चूजे को, वो अभी इस टाइम फिनिचर दे रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये देखिए, ये है फिनिचर। लेकिन आपको ये नहीं देना है, ये मेरे पास पुराना रखा हुआ था तो मैंने इसको डाल दिया है। ये आपको इतने 14 दिन के चूजे को आपको बॉलर प्रेस स्टार्टर देना है, और आप स्टार्टर भी दे सकते हैं, लेकिन आपको फिनिचर नहीं देना है। और देखिए, अब मैं इसको गेट को खोलने वाला हूँ। ये गेट खोल दिया है, ये चूजे आ गए हैं दाना खाने के लिए और पानी पीने के लिए। देखिए, ये दो लाइनें हैं, एक तरफ चूजे को नाइट में रखते हैं और डे में इधर दाना पानी खाने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये एक अलग लाइन है और जो दूसरा वाला था वो अलग लाइन था, ये दो लाइनों में रहता है। ये देखिए, ये पूरा एक लाइन है और ये देखिए चूजा दाना खा रहा है, और ये देखिए ये पड़ा हुआ है। हम जो है फीडर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम ये एक जो बैग दिखाया था मैंने आपको, फिनिचर का बैग, उसको जो खाली बैग होता है उसको ही ज़मीन पर बिछा देते हैं, उस पर फीड डाल देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और देखिए, ये हमारा पुराना फीड रखा हुआ था तो हमने डाल दिया था, ये फिनिचर है। और इतने बड़े साइज़ के चूजे को आप जो है स्टार्टर ही दें, ये रखा हुआ था तो दे दिया था। और ये देखिए, चूजे दाना खा रहे हैं और इधर दिख पाएंगे आप थोड़ी देर में, अभी ये पानी पी रहे हैं। इसमें मैंने कोई मेडिसिन नहीं दिया है, और आप देना चाहते हैं मेडिसिन तो आप बिमराल दे सकते हैं। देखिए, चूजे का अच्छा ग्रोथ है और अच्छी क्वालिटी का चूजा है ये। ये 14 दिन का हो चुका है। अभी फ़िलहाल मैं इसको सेल नहीं कर रहा हूँ, अगर सेल करूँगा तो आपको एक बार ज़रूर बताऊँगा। ये देखिए, एक बड़ा बत्तख आप जैसे कि देख रहे हैं आगे गया है। तो ऐसा होता है, मेरा एक दूसरा फार्म है, जैसे कि अगर कोई बत्तख लंगड़ा हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है तो मैं इधर ला कर डाल देता हूँ, उसमें ये फीड खाकर ठीक हो जाता है। और ये अभी सेल तो नहीं करूँगा फ़िलहाल, अभी इसको रखा हूँ मैं, अंडे भी नहीं दिलाऊँगा, ये सिर्फ मीट पर्पज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। और शायद मैं बीच में भी इसको सेल कर सकता हूँ, जैसे ही मैं आपको सेल करूँगा तो आपको इन्फॉर्म कर दूँगा यूट्यूब चैनल के द्वारा। और अगर आप डक फार्मिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरे चैनल पर बहुत सारी जानकारियाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगी, और मैं बहुत सारी जानकारियाँ देता रहता हूँ। और आपको डक फार्मिंग करना है या नहीं करना है, मैं आगे वीडियो बनाऊँगा, डक फार्मिंग में प्रॉफिट है या नहीं है, इस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। और अंडा कहाँ सेल होता है, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, और भी वीडियो बनाऊँगा। और नए नए फार्मर को डक फार्मिंग कैसे स्टार्ट करना चाहिए, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत सारा वीडियो आने वाला है डक फार्मिंग के ऊपर, और ख़ासकर ये वीडियो नए फार्मर्स के लिए होगा। अगर आप भी डक फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा जानकारी मिलेगा और आप फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। और मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड लोग होते हैं, तो उनसे कैसे बचना है, और आपको अच्छी क्वालिटी का चूजा कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और आप कौन सी नस्ल का चूजा रखें, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं आने वाले टाइम में। और
इसको मेडिसिन मैं अभी दिया नहीं हूँ फिलहाल। मेडिसिन ग्रोथ अच्छा है इसका बिना मेडिसिन के भी। ये इंडियन रनर है और इसको मैंने मेडिसिन नहीं दिया है, मेडिसिन नहीं कोई वैक्सीनेशन किया है। और ये जो मेरा फार्म है ये घर में ही जगह है खाली, इसमें बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप पूरा लाइन, एक लाइन ये है, एक लाइन इसके बराबर में है। ये दिन में इधर रहता है और रात को उधर लाइन में रहता है दूसरी वाली में, जिसमें पुआल पड़ा हुआ है और उससे अच्छा खासा हीट रहता है। और इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं करना।